इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। ताली और थाली पीटने के बाद वज़ीर आज़म मोदी के लाइट्स को बंद करके दिए जलाने और टॉर्च मोमबत्ती जलाने के ऐलान पर फिर एक बार मजाक का मौजू बनते दिखाई दे रहा है। कई सारे पार्टी के लीडरान ने इसे सरासर बेवकूफ़ी करार देते हुए इस तरह की बातों से ना सिर्फ प्रधानमंत्री का वकार गिरता है बल्कि देश की गरिमा भी कलंकित होती है, ऐसा कहा। सुप्रीम कोर्ट के जजिस कोलसे पाटिल और भानु प्रताप ने तो इसे जाहिलाना हरकत कहते हुए मुश्किल दौर में देश को हिम्मत, हौसला और गरीबों की रोजी रोटी पर तवज्जो देने की बजाय अजीब और गरीब हरकतों के मशवरे देने पर अफसोस जताया गया। कुछ सियासी लीडरान ने यह भी कहा कि मोदी आज भी हिंदुत्व का छिपा एजेंडा चला रहा है और इसीलिए उन्होंने 5 तारीख को तय किया गया था, क्योंकि 6 अप्रैल भाजपा के 40 साल पूरे हो रहे हैं और यौम कयाम यानी बीजेपी का स्थापना दिवस, और शायद इसीलिए जानबूझकर दिए जलाने का आज़म और हुक्म आवाम को दिया गया था। यकीनन देश बहुत संगीन दौर से गुजर रहा है। जब से मोदी सरकार आई है मईशत का गिरता ग्राफ संभलने को ही तैयार नहीं, और कोरोना ने तो मईशत को इंतहाई मुश्किल में खड़ा कर दिया है। लेकिन इसमें भी नफरत का एजेंडा बड़े शौक से चलाने वाले भाजपा संघ के लोग पेश पेश नजर आ रहे हैं। जब देश को मुत्तहिद होकर कोरोना की जंग जीतने का ऐलान पीएम मोदी करते हैं तो यह कुछ खास लोग नफरत की आग जलाने की कोशिश भी क्यों करते रहते हैं? क्या वाकई ऐसे मुश्किल दौर में भी जहां आवाम को दो वक्त के लुकमे मयसर नहीं हो रहे, जहां घरों के चूल्हे नहीं जल रहे, वही नफरत की आग लगाने वालों पर आकर कार्रवाई क्यों नहीं होती, यह सवाल उठाया जा रहा है। हैदराबाद के विधायक राजा सिंह ने मोमबत्ती जलाने के इवेंट में हिस्सा लेते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ाई दी, पर जो नफरत के बोल इन्होंने बोले हैं उसे भी गौर करने की जरूरत है और बड़े खतरनाक बोल है। राजा सिंह ने कहा कि दावे के साथ मैं कहता हूँ, ये उनकी जबान है, और जमीन तैयार हो चुकी है। जब सिर्फ दुश्मनों को सबक सिखाने या उनका मुंह बंद करने की बस ख्वाहिश जाहिर कर दी जाए, यानी कि प्रधानमंत्री की जानिब से, तो खून की नदियां देश भर हम बहाएंगे, ऐसा इनका कहना। पीएम मोदी से कहा कि अगला मोदी जी अगला टास्क टीका लगाने का मत दो, वरना भक्त लोग होली खेलेंगे। कुछ संगियों ने यह भी पैगाम दिया कि मोदी जी के हुक्म पर अगर 100 करोड़ दिए जलाए जा सकते हैं तो 20 करोड़ बुझाए भी जा सकते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, किस तरफ इशारा है, किस तरह की तैयारी इस देश में हो रही है, किस दिशा में इस देश को ले जाने की तैयारी की जा रही है, और क्या इसे प्रधानमंत्री की खामोश हिमायत तो हासिल नहीं, ऐसा सवाल भी उठ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब कोरोना के आड़ में नफरत का खेल जारी हुआ है। तबलीगी मरकज का बहाना बनाकर किस तरह एक समाज को निशाना बनाया जा रहा है, अब आहिस्ता आहिस्ता मंजर सामने भी आता जा रहा है। जब पीएम हर 8-15 दिन में आवाम को मुखातिब हो रहे हैं, मन की बात भी जारी है, क्या ही नहीं, हम मरकज की आड़ में का खेल समझ में नहीं आ रहा। फिर प्रधानमंत्री यह क्यों नहीं बताते कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा न दिया जाए? तमाम खबरें तबलीगी मरकज के इर्द गिर्द घूम रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि तबलीगी जमात की वजह से 30% मामले में इजाफा हुआ है। चलो अगर मान भी लिया जाता है कि यह 30% तबलीगी जमात की वजह से कोरोना मामले में इजाफा हुआ है, तो उन 70% मामलों का क्या, और इन पर क्यों चुप्पी साधी जा रही है, इन पर क्यों खामोशी साधी जा रही है? शहर गली मोहल्ले करिए देहातों में मुसलमानों के ना आने पर पाबंदी लगा दी जा रही है, तख्तियाँ लगा दी जा रही हैं कि, और बेलगाम शहर और अतराफ में भी तबलीगी जमात से नफरत का असर देखने को मिल रहा है कि मुसलमानों को पीटा जा रहा है। प्रधानमंत्री के इस ऐलान पर कईयों ने ऐतराज जताया है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि बजाय GDP गरीबों को खाना देने के, ताली थाली टॉर्च का मशवरा शर्मनाक है। शशि थरूर ने कहा कि अफसोस के हम ऐसे प्रधानमंत्री मिला जो इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, गिरती मईशत गरीबों के दर्द को महसूस करने की बजाय थाली और टॉर्च जैसा मनोरंजन करता है। जितेंद्र आव्वाड ने कहा कि मोदी के फैसले बचकाने और जाहिलाना है, और मोदी की मुखालिफत में मैं किसी तरह का दिया नहीं जलाऊंगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। संजय राउत ने कहा कि पीएम के मोमबत्ती दिए जलाने को भक्त कहीं दिल पर ना ले और घर ही जलाना बैठे, और हकीकत में हुआ भी ऐसा। अंधभक्तों ने इस तरह का तमाशा किया
और इस बार तो तमाम हदें पार करते हुए कई जगहों पर घरों को जलाने की भी खबर आ चुकी है, मशाल रैलियां भी निकली है, भाजपा के लीडर ने तो रिवॉल्वर से गोलियां दागी है। आइए कुछ मंजर और कारनामे अंधभक्तों के भी देखते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह होली करेंगे। Go back. China virus, go back. Go back. China virus, go back.